चंडीगढ़ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल स्टेट इलेक्शन कमीशन चंडीगढ़ को मिला और एक जाके हमने वहाँ मांग पत्र दिया उनको और ये मांग की कि ये जो इस बार मशीनें यहाँ इस्तेमाल की जा रही हैं ये बहुत पुरानी टेक्निक की हैं। उन्हें हमें बताया गया कि उत्तराखंड से हैं और हमने मांग की है कि अब क्योंकि पूरे देश में कहीं और चुनाव नहीं हो रहा तो यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्निक है उसकी मशीनें यहाँ लगाई जाएं। इन मशीनों में वीवीपैट का प्रोविजन नहीं है। वीवीपैट आज अधिकार है हर मतदाता का कि उसको पता लगे कि मैंने वोट डाली है, मेरी वोट ठीक पड़ गई और ठीक जगह चली गई है, तो ये क्यों डिनाई किया जा रहा है चंडीगढ़ के, मुझे समझ से बाहर। और दूसरी मांग हमने ये की है कि 6 महीने तक एक ही स्ट्रांग रूम में ये मशीनें पड़ी थी। हमारी पार्टी के लोग भी जाते रहे, वो हमें बुलाते भी रहे, चेक करो, हम संतुष्टि भी जाहिर करते रहे। ये 10 दिन पहले ये आदेश जारी कर देना कि इनको अलग अलग 5 जगहों में बांट दो, तो ये किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी आम जनता के लिए इनके ऊपर चेक रखना बड़ा मुश्किल होगा। ये दो चीजें हमने इसकी शिकायत की है कि ये आदेश तुरंत वापस लिए जाए। एक तो जो M3 मशीनें हैं जिनको थोड़ा लेटेस्ट माना जाता है, क्योंकि अगर ये शंकाएं पहले ना उठी होती देश में कि इस तरह मशीनों की हैकिंग हो सकती है या मशीनों में हेराफेरी हो सकती है, हमें मैं मान सकता हूं कि इसके बारे में अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल है कि देश की सरकार हो या इलेक्शन कमीशन हो या कोई और भी संस्था हो, अगर कोई जनता में शंका है तो उसको दूर करना उनका फर्ज बनता है। इसलिए तुरंत ये जो दो हमने मांग की है इस पे वो आदेश जारी करें। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।